नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिहाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धासु बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 5 सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स है और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे गुरुजी? तो आज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजकोषीय घाटा, ठीक है ना? राजकोषीय घाटा, और इसमें मेरा क्या जाता है, ऐसा नहीं बोलना अपन को, ठीक है ना? सरकार का घाटा मतलब अपना जनता का घाटा, ठीक है? चलिए राजकोषीय घाटे की बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर से सर आप घाटा ही घाटा पढ़ा रहे हो। हमने सुना था इकोनॉमिक्स में तो प्रॉफिट बढ़ाया जाता है और आप घाटा बढ़ा रहे हो। तो देखो बेटा, बिना घाटा देखे प्रॉफिट कैसे देखोगे, है ना? तो घाटा भी देखो और फिर प्रॉफिट भी दिखाएंगे, चिंता मत करो। प्रॉफिट में पाई का साइन भी इस्तेमाल करेंगे। मस्त रहो, बिंदास रहो, हंसते खेलते रहो, ठीक है? हर चीज़ आपको यहाँ पे दर्शाई जाएगी। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा करी थी कि जो बजट है वो संतुलित बजट हो सकता है, जहाँ पर सरकार की प्राप्तियाँ और सरकार का व्यय बराबर हो। बजट अधिशेष बजट हो सकता है, जहाँ पर सरकार की प्राप्तियाँ ज़्यादा हों और व्यय कम हो। और फिर तीसरा हमने पढ़ा था कि सरकार का घाटे का बजट हो सकता है, डेफिशिएंट बजट हो सकता है, जिसमें सरकार का व्यय ज़्यादा हो और प्राप्तियाँ कम हो। और ये जो घाटे का बजट है, ये 3 प्रकार का होता है, जिसमें राजस्व घाटा आता है, जिसमें राजकोषीय घाटा आता है और जिसमें प्राथमिक घाटा आता है। राजस्व घाटा लास्ट लेक्चर में हमने बड़े विस्तार से 0 से एडवांस लेवल तक समझ लिया था, जिसमें मैंने आपको यह बताया कि राजस्व घाटा का मतलब होता है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, मतलब राजस्व जो व्यय है, राजस्व जो खर्चा हो रहा है वो ज्यादा होगा और राजस्व प्राप्ति आपकी कम रहेगी। अब आज हम लोग बात करेंगे राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा और फिस्कल डेफिशिएंट जिसको कहा जाता है। अब आप कहोगे कि गुरुजी, जो हमने पहले पढ़ा था राजस्व घाटा, वो तो नाम पढ़ते ही समझ में आ गया था कि राजस्व का मतलब है रेवेन्यू वाले से मामला होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, बड़ा आसान था। पर गुरुदेव, ये राजकोषीय घाटा पढ़ने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मामला है तो है क्या, ये राजकोषीय का मतलब क्या है, ये राजकोषीय कहीं राजा महाराजाओं से तो जुड़ा हुआ नहीं है, चक्कर क्या है? देखो, अगर बच्चों यही बात मैं कहता हूँ कि अगर हर चीज़ ही आपको समझ में आ जाती किताब खोलते सारी चीज़ें समझ में आ जाती तो फिर हमारी क्या ज़रूरत होती ठीक है ना? तो फिर हमें कौन पूछता कि हाँ हाँ नहीं नहीं साहब, टीचरों की ज़रूरत है, शिक्षकों की आवश्यकता, सब कुछ किताबों से समझ में आ जाता। नहीं आया है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ कि बच्चों को समझा करके आऊँगा कि राजकोषीय घाटा क्या है। चलिए बच्चों, देखो बच्चों, राजस्व घाटा हमें सिर्फ और सिर्फ एक राजस्व का जो आइडिया है वो देता है, रेवेन्यू के बारे में बताता है कि सब आप रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में किस प्रकार का रिश्ता है वो बता रहा है। पर राजकोषीय घाटा, जिसको हम फिस्कल डेफिशिट कहते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एक एग्जैक्ट जो कंडीशन होती है इकोनॉमी की वो दर्शाता है, एग्जैक्ट कंडीशन जो है इकोनॉमी की वो दर्शाता है। और ये सच में एक पूरा सही प्रकार से आपका जो डेफिशिएट है उसको दर्शाएगा कि एक्चुअल में कितना डेफिशिएट है कितना नहीं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब आप राजस्व घाटा पढ़ रहे हो, वहां पे ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, मतलब ना तो पूंजीगत व्यय की बात हो रही है, ना पूंजीगत प्राप्तियों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो आधा अधूरा था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ राजस्व प्राप्तियों की और राजस्व व्यय की बात करेंगे, आधा अधूरा था। क्योंकि जब टोटल बजट आ रहा है तो उसमें तो पूंजीगत भी आ रहा है, पूंजीगत प्राप्तियां भी आ रही हैं और उसमें तो पूंजीगत जो व्यय है वो भी आ रहा है, कैपिटल रिसिप्ट भी आ रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ रहा है। और जब आज हम जो काम पढ़ने जा रहे हैं, हम बात करते हैं, जब हम पूंजीगत की बात करते हैं, हम लिखते हैं कि पूंजीगत, तो पहले आज इस पूंजीगत को समझ लेते हैं, पूंजीगत को बिल्कुल हम क्लियर करेंगे। अब देखिए, पूंजीगत में क्या है, वही प्राप्तियां और व्यय, मतलब हम कहते हैं कि कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट या जिसको हम कह रहे हैं पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, अब याद करो राजस्व प्राप्तियां क्या थी। राजस्व प्राप्तियां कहती है नाइदर क्रिएट लायबिलिटी नोर रिड्यूस असेट, ना तो आपकी देनदारी को बढ़ाएगी और ना आपकी संपत्ति को कम करेगी, तो उसका उल्टा हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां। आइदर क्रिएट लायबिलिटी, आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस असेट,
अर्थ क्या है, या तो आपकी देनदारी बढ़ाएगी और या आपकी संपत्ति को कम कर देगी। तो हमने पढ़ा है कि पूंजीगत प्राप्तियों में हम पैसा कहां से लेते हैं, हम दो जगहों से ले सकते हैं, या तो लोन ले लेंगे उधार, या हम विनिवेश कर देंगे, डिसइन्वेस्टमेंट कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, हम सरकार जो है संपत्ति को बेच देगी। यही बात है ना, जो लोन है या तो लोन ले लेगी या सरकार विनिवेश कर करके संपत्ति को बेच देगी, यहां से पैसा मिल जाएगा। तो पूंजीगत प्राप्तियों की चर्चा हमने राजस्व घाटे में नहीं करी, मतलब अभी अधूरा है तो यहां पे आज इसकी चर्चा हो जाएगी। फिर अगर मैं बात करूं व्यय की या एक्सपेंडिचर की, अब राजस्व जो घाटा है, ठीक है, राजस्व घाटे में हमने राजस्व जो व्यय है उसकी चर्चा करी थी। अब राजस्व व्यय क्या कहता है, नाइदर रिड्यूस लाइबिलिटी और क्रिएट असेट, ना तो वो लाइबिलिटी को कम करता है और ना ही वो असेट को बढ़ाता है, पर ये क्या करेगा, आइदर रिड्यूस लाइबिलिटी, आइदर रिड्यूस लाइबिलिटी और क्रिएट असेट। अब ये या तो क्या करेगा, लाइबिलिटी को कम कर देगा या असेट बना लेगा, जिसमें क्या कर सकते हैं, सरकार लोन जो चुका रही है उस चुकाने की बात यहां पर आ जाएगी, सरकार कोई संपत्ति खरीद रही है, भूमि अधिग्रहण कर रही है, वो इसमें आ जाएगा। तो हम लोगों ने जब बात राजस्व घाटे की करी थी तो मैंने पूंजीगत प्राप्तियां नहीं जिक्र करा, मैंने पूंजीगत व्यय जिक्र नहीं करा। इसका मतलब सरकार के बजट में तो राजस्व प्राप्ति है तो पूंजीगत प्राप्ति भी है, और सरकार के बजट में राजस्व व्यय है तो पूंजीगत व्यय भी है, बट जब घाटे की बात आ रही तो हमने इनकी चर्चा नहीं करी। मतलब कहीं ना कहीं राजस्व घाटा हमें आधी अधूरी इमेज दिखा रहा है और हमें आधी अधूरी पसंद नहीं, अपन पूरा देखेंगे और जो पूरा दिखाएगा वो राजकोषीय घाटा दिखाएगा। एग्जैक्ट एक्चुअल कंडीशन क्या है इकोनॉमी की, सरकार के बजट की, वो कौन दर्शाएगा, वो हमें राजकोषीय घाटा दर्शाएगा। तो इस राजकोषीय घाटे को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना बेटा, मतलब तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कोई सा घाटा है ना तो वो यही घाटा है। और अगर ये घाटा आपको समझ में नहीं आया ना तो मैं सच कह रहा हूं, आप एग्जाम में ये सच में बोलोगे कि राजकोषीय घाटा मेरा बहुत कुछ जाता, सच में इसका अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का 4 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस पर न्यूमेरिकल्स भी हो सका तो देने वाला दे देगा, ठीक है, अगर मैं तो पेपर बनाऊं तो कैसे ना कैसे एडजस्ट कर ही दूं। चलिए, राजकोषीय घाटा बजटीय असंतुलन का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। अब जो राजकोषीय घाटा है वो बजटीय जो असंतुलन है, जो असंतुलन हो गया है उसका व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से दृष्टिकोण उसका नजरिया हमें दिखाता है। भारत में बजटीय विकास को समझाने और समझने के लिए इसका व्यापक रूप से बजटीय उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में जो बजट का विकास है उसको समझाने और समझने के लिए हमेशा इसका बजटीय उपकरण के रूप में बड़ा प्रयोग करा जाता है, किसका, राजकोषीय घाटे का। क्या होता है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा सरकार के व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। क्या बोला है, बड़े ध्यान से सुनना, राजकोषीय घाटा सरकार का व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है। बड़े ध्यान से सुनना, सरकार का व्यय, सरकार के व्यय का मतलब क्या है, सरकार का व्यय कौन कौन सा, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, तो सरकार का जो टोटल खर्चा हो रहा है वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, कुल प्राप्तियां, तो कुल प्राप्तियों का मतलब क्या है बच्चों, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां, पर इस प्राप्तियों में से हमें माइनस करना है क्या, जो अपन ने उधार ले रखा है, जो सरकार ने उधार लिया है। तो क्या, ध्यान से सुनना, ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर, जो ऋण ग्रहण करा, जो उधार लिया उसको छोड़कर के सारी प्राप्तियां, मतलब जो पूंजीगत प्राप्तियों में हम सरकार पैसा ले रही है उधार के द्वारा और विनिवेश के द्वारा, तो उधार वाला काट दो बाकी सारा जोड़ लो, चाहे विनिवेश के द्वारा आया हो, चाहे टैक्स के द्वारा, नॉन टैक्स के द्वारा, कैसे भी आया हो सारा जोड़ लो। तो यहां पर अब हमारा राजकोषीय घाटे का जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिख दो FD इज़ इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कुल व्यय इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और माइनस करके कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां
कुल VMS हम क्या कर रहे हैं, कुल प्राप्तियों को माइनस कर देंगे, और इस कुल प्राप्तियों में से पहले माइनस जो करना पड़ेगा वो किसको करेंगे, उधार को। ये हमारा सूत्र बन जाएगा। मतलब कुल VMS है, पहले आप इसको सॉल्व करना। जैसे मैं आपको कहूं कि टोटल मेरा खर्चा जो है वो 100 रुपए का है, मेरी प्राप्ति जो हुई है वो मान लीजिए कुल प्राप्ति मेरी हुई है 80 रुपए की, उस 80 रुपए में से मान लीजिए जो 20 रुपए है वो मैंने उधार ले रखा था, तो पहले मुझे अंदर वाले को सॉल्व करना होगा। 100 माइनस 80 माइनस 20 60, मतलब 100 माइनस 60 मतलब कितना, 40 रुपए। ठीक है, 40 रुपए का मेरा क्या है, राजकोषीय घाटा आ जाएगा। तो यह राजकोषीय घाटा क्या है, वह है जिसमें सरकार का व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का जो अंतर होता है उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। सकल राजकोषीय घाटे का यह फॉर्मूला आपके सामने आ गया है, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां। तो मैंने क्या करा, मैंने कुल प्राप्तियां लिख दिया जिसमें राजस्व भी है पूंजीगत प्राप्तियां भी, और उसमें से ऋण को हटा दिया, पर इसने क्या करा कुल व्यय जोड़ लिख लिया यहां पे, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों है मेरे प्यारे बच्चों। फिर यहां पर राजस्व प्राप्तियां हैं प्लस गैर ऋण, मतलब ऋण के अलावा जो पूंजीगत प्राप्ति आई है वो। तो चाहो तो आप ये वाला लिख लो, ये वाला लिख लो, मैं राजकोषीय घाटे के आज आपको 3-4 फॉर्मूले लिखा करके जाऊंगा एंड तक, जो मर्जी हो वो अपनाना, मस्त रहो बिंदास रहो, चिंता फिक्र की कोई बात नहीं। तो सकल राजकोषीय घाटा कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां। गैर ऋण का मतलब क्या हो गया, ऋण के अलावा उधार के अलावा आपने कहीं से भी पूंजीगत प्राप्ति ली हो तो वो क्या है, संपत्तियों को बेच करके लेते हैं, तो वो यहां आ जाएगा। गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां हैं जो ऋण ग्रहण के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए इससे ऋण में वृद्धि नहीं होती। तो ये गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, ऐसी प्राप्तियां हैं जो ऋण ग्रहण के अंतर्गत नहीं आती, तो हम उनसे ऋण नहीं लेते, हम उनमें उधार नहीं ले रहे। मतलब उधार नहीं ले रहे तो आप क्या कर रहे हो, संपत्ति को बेच रहे हो बच्चों, आप संपत्ति को, मतलब सरकार संपत्ति को बेच रही है, संपत्ति को बेच रही है तो इसमें सरकार का ऋण थोड़ी बढ़ेगा, सरकार के पास पैसा आ रहा है पर संपत्ति सरकार की कम हो जाएगी। इसके उदाहरण है ऋणों की वसूली और सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री से प्राप्त राशि। मतलब ऋणों की वसूली, मतलब सरकार ने किसी को ऋण दे रखा हो और वो वसूल हो जाए, वो मिल जाए वो, या सरकार सार्वजनिक उपक्रम मतलब अपनी जो संपत्ति है अपने शेयर्स है उनको बेच देती है तो वो इस पैसा प्राप्त हो जाएगा। राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाएगा। अब देखो, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, फिस्कल डेफिशिएट में हमने जो उधार था ना वो उधार नहीं जोड़ा, बड़ा ध्यान से सुनना, हमने उधार नहीं जोड़ा। पर अब ये जो फिस्कल डेफिशिएट चल रहा है, जो राजकोषीय घाटा चल रहा है, इसका जो कवर हम करेंगे वो किससे करेंगे, हम उधार से करेंगे कि साहब हमें और उधार लेना है। तो मतलब जितना फिस्कल डेफिशिएट होगा उतना और लोन लिया जाएगा। तो मतलब कहीं ना कहीं फिस्कल डिफिशिएट यह भी दर्शाता है, राजकोषीय घाटा यह भी दर्शाता है कि सरकार के ऊपर लोन कितना है। राजकोषीय घाटा बराबर सरकार के ऊपर लोन जो है, ऋण है वो दर्शाता है, क्योंकि आप जो वित्त पोषण कर रहे हो, मतलब राजकोषीय घाटे में कहीं से कमी आ रही है तो वो पैसा कहां से ले जा रहे हो, आप उधार ले लेकर के ला रहे हो। तो जितना फिस्कल डेफिशिएट है मतलब उतना ही आपका उधार हो जाएगा। अतः इससे सभी स्रोतों से सरकार के ऋण ग्रहण संबंधी आवश्यकताओं का पता चलता है। तो अब इससे यह साफ पता चल जाएगा कि सरकार कहां कहां से ऋण ग्रहण कर सकती है और कितना ऋण ग्रहण कर रही है। सकल राजकोषीय घाटे का एक और फॉर्मूला लिख लो, निवल घरेलू ऋण माइनस ऋण ग्रहण, ये माइनस नहीं बेटा, ऋण ग्रहण एक साथ है, मतलब निवल घरेलू ऋण मतलब सरकार ने घरेलू जो ऋण है वो टोटल कितना लिया है, प्लस भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा कितना लिया है, प्लस विदेशों से ऋण ग्रहण। मतलब देखो, मैंने आपको पहले बताया ना, सरकार जो लोन ले सकती है, सरकार जैसे डोमेस्टिक की अगर कहूँ, जैसे ओपन से, तो जैसे सरकार मान लीजिए अपने जो बॉन्ड है, शेयर्स है, उन सब से पैसा ले सकती है सरकार, या सरकार कोई बड़ा उद्योगपति है वहाँ से पैसा सरकार ले ले, या सरकार RBI से पैसा उधार ले लेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार ले लेगी, या सरकार फॉरेन से पैसा उधार लेगी, अब चाहे वो किसी कंपनी से ले, चाहे वो IMF वर्ल्ड बैंक से ले, किसी से भी ले सकती है। तो सकल राजकोषीय घाटा आपका ये भी दर्शाता है कि सरकार के ऊपर टोटल कितना ऋण है। ये टोटल क्या दर्शा रहा है, इसे ऋण को दर्शा रहा है कि सरकार के ऊपर कितना लोन है, सरकार के ऊपर कितना कर्जा चल रहा है, ये फिस्कल डेफिशिएट दर्शा देता है। मतलब घाटे में एग्जैक्ट तस्वीर दिखा रहा है तो वो राजकोषीय घाटा दिखा रहा है। तो राजकोषीय घाटे का एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा कि घरेलू ऋण ग्रहण, RBI से ऋण ग्रहण और विदेशों से ऋण ग्रहण बराबर सकल राजकोषीय घाटा।
निवल घरेलू ऋण ग्रहण के अंतर्गत, देखो अब इसमें देखो बड़े ध्यान से समझना क्या लिखा, निवल घरेलू ऋण ग्रहण, अब इसमें क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत ऋण उपकरणों उदाहरण विविध लघु बचत योजनाएं, कुछ सरकार ने लघु बचत योजनाएं चला रखी हूँ के माध्यम से सीधे जनता से प्राप्त ऋण, विविध लघु बचत योजना जैसे पोस्ट ऑफिस में चलती है, लोग वहाँ पैसा जमा करा रहे हैं उसका सरकार पैसा वहाँ से पैसा ले सकती है, वैधानिक तरलता अनुपात SLR के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक बैंकों से प्राप्त ऋण आते हैं और SLR के द्वारा सरकार ले सकते हैं, तो कॉमर्शियल बैंक उनसे पैसा आ जाता है व्यावसायिक बैंकों से, सकल राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के स्थायित्व और सार्वजनिक क्षेत्र की सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के लिए एक निर्णायक चर है, इस प्रकार सकल राजकोषीय घाटा को मापा जा सकता है। तो सकल राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के स्थायित्व के लिए कि हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल कितनी है, और राज सार्वजनिक जो क्षेत्र है पब्लिक सेक्टर है उसकी सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था के लिए, मतलब हमारी सरकार की जो वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ रहे, स्टेबल रहे, मजबूत बनकर के रहे, उसके लिए एक निर्णायक चर है, एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल है राजकोषीय घाटा। अंदर इसी से राजकोषीय घाटा से ही हम हमारी अर्थव्यवस्था के स्थायित्व की पता लगाते हैं और सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसकी वित्तीय व्यवस्था का भी हम पता लगा सकते हैं। जैसा कि ऊपर देखा गया है कि राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा का एक भाग है, राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस गैर ऋण से सर्जित पूंजीगत प्राप्ति है। ये देखिए सीधी सी बात है, बड़े ध्यान से सुना, कंफ्यूज मत हो, एक तो आप बार बार में, अपन ने राजस्व घाटा पढ़ा, राजस्व घाटे में क्या क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यही था ना, हाँ या ना बोलो बच्चों, हाँ सर यही था। अब हम पढ़ रहे हैं फिस्कल डेफिशिट, तो फिस्कल डेफिशिट में क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय, तो कुल व्यय में ये आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ बोलो हाँ आ रहा है, माइनस माइनस हम क्या कर रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट आ रही है या नहीं आ रही, आ रही है, प्लस कैपिटल रिसिप्ट, और इस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, उधार के अलावा जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट है वो सारी आ रही है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, इसने ये कहा है कि राजस्व घाटा राजकोषीय घाटे का ही भाग है। देखो राजस्व घाटा तो अलग से चल रहा था, पर राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटा भी शामिल है, क्योंकि उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था इसमें आ गया, रेवेन्यू रिसिप्ट था इसमें आ गया, तो सीधी सी बात, राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का एक बड़ा अंश यह दर्शाता है कि उधार का एक बड़ा हिस्सा उपभोग व्यय के लिए उपयोग किया जाता है, न कि निवेश के लिए। अब राजकोषीय घाटे में जब फिस्कल डेफिशिएट में, जैसे मान लो ये फिस्कल डेफिशिएट है और इसमें इतना रेवेन्यू डेफिशिएट चल रहा है, इसका मतलब ये दिखाता है कि सरकार जो ज्यादा उधार ले रही है वो तो किसके लिए ले रही है, उपभोग के लिए ले रही है, न कि निवेश के लिए, न कि संपत्ति बनाने के लिए, बल्कि किस लिए ले रही है, रोजमर्रा जो आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए। बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, फिस्कल डेफिशिएट क्या दर्शाता है कि सरकार के ऊपर कर्जा कितना है, ठीक है, और इसी फिस्कल डेफिशिएट का जो भाग है वो रेवेन्यू डेफिशिएट है। अगर यह फिस्कल डेफिशिएट है और ये रेवेन्यू डेफिशिएट है, तो अब इसमें साफ दिख रहा है बाबा रे बाबा कितना कर्जा जो लिया है उपभोग के लिए लिया है, बाकी कर्जा जो लिया होगा हो सकता है कि संपत्ति बनाने के लिए, पर इतना कर्जा जो लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है, उपभोग के लिए लिया गया है। तो राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का एक बड़ा अंश, अगर ज्यादा अंश, तो वो ये दर्शाता है कि जो उधार लिया गया है वो उपभोग व्यय के लिए ज्यादा लिया गया है, न कि निवेश के लिए। राजकोषीय घाटा किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों उधार को छोड़कर पर कुल व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। ये बात ही मैंने आपको बताई है कि राजकोषीय घाटा क्या बताता है कि कुल जो व्यय है वो ज्यादा होगा कुल प्राप्तियों से, पर कुल प्राप्तियों में हम उधार को नहीं जोड़ रहे। राजकोषीय घाटे की सीमा इस बात का संकेत है कि सरकार अपने साधनों से कितना अधिक खर्च कर रही है। राजकोषीय घाटा हमें यह दर्शा देता है कि सरकार अपने साधनों से कितना अधिक जो है खर्चा कर रही है। उधारों को छोड़कर कुल प्राप्तियों में शामिल है। देखो अब अपन क्या कह रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय तो पूरा ही आ गया, चाहे वो राजस्व का व्यय हो, चाहे पूंजीगत का व्यय हो, कोई सा भी व्यय कर रहे हो वो तो सारा आ ही गया। जो मैटर फंस रहा है, जो कंफ्यूजन हो रहा है, वो कहां पर हो रहा है, टोटल रिसिप्ट में हो रहा है। टोटल रिसिप्ट में हम ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट राजस्व प्राप्तियां तो सारी हैं, पर कैपिटल रिसिप्ट में से जो लोन वाला है, जो उधार वाला है, उसको छोड़ दो। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उधारों को छोड़ करके कुल प्राप्ति में क्या क्या शामिल है, बता दो सर जी, राजस्व प्राप्ति सारी की सारी शामिल है। तो देखिए बड़े ध्यान से आसान भाषा में समझा रहा हूं, उधारों को छोड़ करके कुल प्राप्तियों में क्या क्या है, राजस्व प्राप्ति है, उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां या गैर ऋण सर्जन पूंजीगत प्राप्ति है। तो आपके लिए क्या है,
मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं, आप इसको काट दो, ये वाली लाइन ही काट दो। उधार को छोड़कर क्या क्या शामिल है? गैर ऋण सर्जन पूंजीगत प्राप्तियां, तो राजस्व प्राप्तियां है और गैर ऋण सर्जन पूंजीगत प्राप्तियां, इनको कहा जाता है इंग्लिश में नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, नॉन डेब्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट। गैर ऋण सर्जन पूंजीगत प्राप्ति में उधार को छोड़कर सभी पूंजीगत प्राप्तियां शामिल होती है, अतः ऐसी प्राप्तियां जो ऋण को जन्म नहीं देती है। तो यहां पर हम कौन सी प्राप्तियों को जोड़ रहे हैं पूंजीगत प्राप्तियों में? ऐसी प्राप्तियां जो ऋण को जन्म नहीं देते, तो ऋण नहीं होता उनसे, उदाहरण के लिए ऋण की वसूली या विनिवेश। बेटा आसान भाषा में वापस समझा दिया है मैंने कि क्या क्या उधार को छोड़कर इसमें आ जाएगा। अब चलिए, अब राजकोषीय घाटा समझ में आ गया, आसान भाषा में समझ में आ गया। राजस्व घाटा पढ़ा था, पढ़ा या नहीं पढ़ा? उसके इंप्लीकेशंस पढ़े या नहीं पढ़े? पढ़े थे गुरुजी। फॉर्मूला पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा था। तो अब यहाँ पर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? राजकोषीय घाटा क्या होता है पढ़ लिया, अपन ने इसका जो फॉर्मूला है वो भी पढ़ लिया। अब इस राजकोषीय घाटे के इंप्लीकेशंस क्या होते हैं वो भी तो पढ़ लें। निहितार्थ इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिशिएट, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं इंपैक्ट्स ऑफ फिस्कल डेफिशिएट, कि ये राजकोषीय घाटे का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला ऋण जाल, ऋण जाल का मतलब होता है डेब्ट ट्रैप, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? डेब्ट ट्रैप। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो फिस्कल डेफिशिएट है वो किसके बराबर हो जाएगा? लोन के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो खर्चा हो रहा है वो घाटे में चल रहा है, घाटे में चल रही है सरकार। अब उस घाटे को कवर करने के लिए सरकार क्या करेगी? लोन लेगी, चाहे वो RBI से ले, घरेलू ले, या विदेशों से ले, कहीं से भी ले। तो फिस्कल डेफिशिएट कहीं ना कहीं लोन के बराबर है, जितना फिस्कल डेफिशिएट है उतना लोन होगा, जितना फिस्कल डेफिशिएट है उतना ही लोन होगा। तो राजकोषीय घाटा किस चीज़ को दर्शाता है? सरकार की जो कुल उधार की आवश्यकता है, कि सरकार को कितना उधार चाहिए, उस चीज़ को दर्शाता है। उधार लेने में न केवल मूल राशि का पूर्ण भुगतान शामिल होता है बल्कि ब्याज का भुगतान भी आवश्यक होता है। देखो जब अब मैं किसी से उधार लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी से बोला भाई 5 लाख रुपए उधार दे दे, 4 साल बाद लौटा दूंगा, उसने बोला हाँ हाँ मुनीत जी ले लो 5 लाख रुपए, और ब्याज कितना? बोले 4 साल के बाद 1 लाख रुपये ब्याज दे देना, 25,000 रुपये हर साल के हिसाब से। बट ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 4 साल के बाद कितने रुपये लौटाने? 6 लाख रुपये लौटाने। ठीक है, 2 साल बाद वापस मुझे जरूरत पड़ी पैसों की, मैं किसी दूसरे व्यक्ति के पास गया और मैंने बोला भैया 2 लाख रुपए दे दो, 2 साल बाद लौटा दूंगा। बोले ठीक है, कितना ब्याज लगेगा? बोले 50,000, तो 2.5 लाख। तो मतलब अब 2 साल के बाद ले लिया था, अगले 2 साल तक मुझे 2.5 लाख रुपए और चुकाने, मतलब 8.5 लाख रुपये। अब ये 8.5 लाख रुपये चुकाने के लिए किसी से और कर्जा लूंगा, और उस पर ब्याज हो जाएगा, और कर्जा। तो इस प्रकार से क्या होता जाएगा, हम जाल में फंसते जा रहे हैं ना। जाल क्या होता है? जैसे आपने देखा कि मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है और वो उसमें फंस करके आ जाती है। जैसे जो चूहा होता है, उस चूहे को हम उसमें डालने के लिए क्या करते हैं? रोटी दिखाते हैं और करते हैं, फिर वो एंटर हो जाता है, वो क्या हो जाता है? जाल में फंस जाता है। वैसे अपन लेते जाते हैं, लेते हैं, हाँ ये भी काम हो गया, ये भी काम हो गया, पर अपन को दिख नहीं रहा कि यार उस पैसे पर इतना पैसा चुकाना भी, और उसके अलावा जो ब्याज है वो भी चुकाना है। तो यहाँ पर उधार लेने में मूल राशि जो होती है इम्पोर्टेंट जो है, जैसे यहाँ 5 लाख ली, 2 लाख ली, ये तो मूल राशि है जो हमने ली है, वो तो चुकाना ही चुकाना है, पूर्ण भुगतान करना ही है, पर उसके साथ साथ जो ब्याज है उसका भी तो भुगतान करना ही है। ब्याज भुगतान से राजस्व व्यय बढ़ता है, जिससे राजस्व घाटा होता है। देखो अब अगर आप ब्याज का भुगतान करोगे तो मैंने आपको बताया था किसमें जुड़ेगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जुड़ेगा। अब जब ब्याज का भुगतान करो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जुड़ रहा है, मतलब राजस्व घाटा बढ़ रहा है, राजस्व घाटा बढ़ रहा है भैया, तो मतलब फिर और आपको उधार लेना पड़ेगा। ये राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का एक दुष्चक्र बनाता है, जिसमें सरकार पहले के ऋणों को चुकाने के लिए अधिक ऋण लेती है, परिणाम स्वरूप देश कर्ज के जाल में फंस जाता है। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटे का एक ही क्या दुष्चक्र बनाता है। जैसे फिस्कल डिफिशिएट है ये था, इसलिए मैंने क्या करा? ऑन लोन लिया, इस लोन का जो इंटरेस्ट है वो चुकाने के लिए मैंने जो है अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया मतलब मेरा रेवेन्यू डेफिशिएट है वो बढ़ गया, रेवेन्यू डेफिशिएट बढ़ गया इसका मतलब फिस्कल डेफिशिएट भी बढ़ गया, फिर लोन लूंगा, फिर यूं चलता जाएगा। मतलब मैं लोन लूंगा, काम करूंगा, फिर उस लोन को चुकाने के लिए और कहीं से लोन लूंगा, और पैसा लूंगा, उस पर और ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो भैया बहुत ज्यादा फंस जाता है इंसान।
तो पहला तो क्या हुआ, ऋण जाल में, मतलब जब भी राजकोषीय घाटा बढ़ता है हमारा, जब भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है हमारा, तो हमारा ऋण जाल में सरकार फंस जाती है, डेब्ट ट्रिप में सरकार फंस जाती है। दूसरा होता है बच्चों मुद्रा स्फीति, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। दूसरा क्या होता है, इन्फ्लेशन, जिसको कहा जाता है मुद्रा स्फीति। सरकार अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेती है। आरबीआई घाटे की जरूरत को पूरा करने के लिए नई करेंसी छापता है। यह अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाता है, जिससे सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा स्फीति का दबाव पैदा होता है। देखिए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सरकार है, सरकार ने क्या करा, लोन लिया, उधार लिया, किससे लिया, आरबीआई से लिया। अब आरबीआई के पास तो पैसा पड़ा नहीं है भैया, आरबीआई के पास कौन सी सोर्स ऑफ इनकम है, आरबीआई तो बोलेगा ठीक है भाई पैसा चाहिए तो और छाप देते हैं। तो ये आरबीआई क्या करेगा बेटा, प्रिंट न्यू करेंसी, और पैसा छाप देगा, प्रिंट न्यू करेंसी। अब ये न्यू करेंसी छाप करके सरकार को दे दी, तो सरकार क्या करेगी, उसको इकोनॉमी में छोड़ेगी, मतलब मार्केट में छोड़ देगी, लोगों के बीच में, लोगों को बांटना जो भी करना है उसमें छोड़ दिए। लोगों के पास पहुंच गए, इसका मतलब क्या है, जो लोगों की क्रय शक्ति है वो बढ़ गई। लास्ट लेक्चर में समझाया था ना, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी तो लोग मांग बढ़ाना शुरू कर देंगे, मांग बढ़ाना शुरू कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ जाएगी बेटा। ये लास्ट में भी समझाया था यहां से, तो क्रय शक्ति, मांग बढ़ना, इन्फ्लेशन बढ़ना। तो यहाँ पे सरकार के पास जब भी पैसा एक्स्ट्रा आएगा सरकार इकोनॉमी में छोड़ेगी, ज़्यादा पैसा जैसे ही जाएगा तो वहाँ पर मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ेगी। अब जिन भी बच्चों ने मुद्रा और बैंकिंग का चैप्टर पढ़ रखा है मेरे से, उनको यहाँ कोई समस्या नहीं आ रही होगी, उनको पता है कब मुद्रास्फीति होती है और कब नहीं होती है। जब भी मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा जाएगा मुद्रास्फीति होगी, महंगाई होगी, और उसको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई उस पैसे को खींच लेता है, ठीक है ना, और जब मंदी का दौर होगा तो आरबीआई उसमें ज़्यादा पैसा डालता है। अब तीसरा है विदेशी निर्भरता, सरकार शेष विश्व से भी उधार लेती है जिससे अन्य देशों पर उसकी निर्भरता बढ़ जाती है। अब क्या होता है कि अगर देश के अंदर इतना लोन नहीं मिल पा रहा तो क्या विश्व से लोन लिया जाता है, अलग अलग देशों से लोन लिया जाता है, बड़े इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जाता है, तो दूसरे देशों पर हमारी जो निर्भरता है वो भी क्या है, बढ़ जाती है। भविष्य के विकास में बाधा डालता है, उधार लेने से भावी पीढ़ियों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है, यह देश की भविष्य की वृद्धि और विकास की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, जैसे आज कोई व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसके पिताजी उस पर बहुत कर्जा छोड़ करके चले जाते हैं। अब उसका कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा भैया, चाहे किसी ने भी लिया हो, पिताजी ने लिया हो, दादाजी ने लिया हो, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। अब वो बच्चा जो है जिस पर कर्जा छोड़ करके गए, अब वो कर्जा चुकाता चुकाता वो निकल जाएगा, फिर उसके कुछ थोड़ा बहुत उसके बच्चों पर भी कर्जा ले जाएगा, मतलब आने वाली जो पीढ़ियों की ग्रोथ है ना उस पर बड़ा इफेक्ट हो जाता है। कर्जा नहीं होता और जितना पैसा वो कर्जे में चुका रहे थे और उस कर्जे पर लगातार ब्याज भी बढ़ता जा रहा था, तो उतना पैसा वो ब्याज पे कर्जे पे नहीं चुकाते, उससे अच्छा अपने कहीं विकास पे लगाते, मकान खरीदते, बढ़िया एजुकेशन में खूब पैसा खर्च करते तो शायद बेहतर होता, पर अब वो कर्जा था तो उसको चुकाना पड़ा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देश पे, सरकार पे ज़्यादा कर्जा होगा तो आने वाली पीढ़ियों को चुकाना पड़ेगा, उसमें टैक्स बढ़ाएगी सरकार कैसे भी कर करके, कर्जा तो चुकाएगी और भविष्य में जो विकास की संभावना उन पर भी अच्छा असर नहीं पड़ता। राजकोषीय घाटा सरकार की उधार संबंधी आवश्यकताओं को बताता है, इसलिए इसे प्रबंधनीय सीमा से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। देखिए अब राजकोषीय घाटा सरकार की जो उधार संबंधी आवश्यकता है उनको दर्शाता है, इसलिए इसे प्रबंधनीय सीमा से, प्रबंधनीय सीमा का मतलब क्या है, जो मैनेजमेंट लिमिट है भाई, इससे ज़्यादा जितना मैनेज कर सकते हैं बस इतना मैनेज कर सकते हैं। देखो हमेशा उधार लेना भी गलत नहीं है, आप उधार ले रहे हो इट्स ओके, पर उधार के चुकाने के जो सोर्सेज हैं उन पर भी ध्यान दो कि साहब मैं इतना पैसा चुका दूंगा, कहाँ से आएगा मेरे पास, कैसे आएगा। मान लो अगर आज मैं 5 लाख रुपए उधार लेता हूँ, मैं उसको कहता हूँ मैं 10 साल में चुकाऊंगा, तो मैंने कहीं ना कहीं तो दिमाग लगाया होगा कि मेरे हर साल हर महीने इतनी इनकम होती है, इतनी इनकम में से हर महीने मैं निकालता जाऊंगा और 10 साल तक होते हो तो उसके 5 लाख और 1 लाख उसका ब्याज इकट्ठा हो जाएगा। तो जब भी हम उधार ले रहे हैं तो पहले हमें पूरा ये ध्यान लगाना चाहिए कि हम कितना समय में उसको चुका सकते हैं, हमारी इनकम कितनी है, तो हम मैनेज कितना कर सकते हैं, हम जितना मैनेज कर सकते हैं हमें उतना ही उधार लेना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर कही गई कि एक मैनेजेबल जो सीमा है उस सीमा से आगे बढ़ने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए, जितना प्रबंध कर पाए, जितना मैनेज कर पाए उतना ही लोन अलाउड होना चाहिए। राजकोषीय घाटे की सुरक्षित सीमा सकल घरेलू उत्पाद का 3% मानी जाती है। अधिक राजकोषीय घाटे का तात्पर्य सरकार द्वारा अधिक उधारी से है। देखो अब राजकोषीय घाटे की मतलब सीमा सकल घरेलू उत्पाद 3% तक मानी जाती है, 3% तक जीडीपी का
3% तक आप उधार ले रहे हो इट्स ओके, पर उससे ज़्यादा ले रहे हो तो फिर वो दुख की बात है। और ये जो 3% है ये भी अपन FRBM में चर्चा करेंगे, FRBM एक्ट। इसलिए उच्च राजकोषीय घाटा किसी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए स्वाभाविक रूप से बुरा होता है। तो अगर ज़्यादा राजकोषीय घाटा है तो इसका अर्थ यह है कि वो अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं है, वो बेकार है, वो बुरा है। चलिए अब राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के स्रोत पढ़ लेते हैं। मतलब अब इसका जो फाइनेंस है, राजकोषीय जो घाटा है उसका सोर्स कहाँ कहाँ से होगा, मतलब कैसे सरकार इस राजकोषीय घाटे की भरपाई करेगी। सबसे पहले है उधार। राजकोषीय घाटे को आंतरिक स्रोतों से, जैसे सार्वजनिक हो गया, वाणिज्य बैंक हो गया आदि, या बाहरी स्रोत विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि से उधार लेकर पूरा किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो क्या, राजकोषीय घाटे में आंतरिक स्रोत सार्वजनिक हो गए, कोई वाणिज्य बैंक हो गया, बाहरी स्रोत को विदेशी सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सबसे उधार ले लेगी और उधार लेकर करके पूरा करेगी। और दूसरा होता है घाटे का वित्त पोषण नई मुद्रा की छपाई। इसको कहा जाता है बेटा इंग्लिश में डिफिशिएंट फाइनेंसिंग, डेफिशिएंट फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखिएगा बेटा, इंग्लिश में ही याद रखिएगा। क्या नाम है? डेफिशिएंट फाइनेंसिंग। एक इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते आपको ये शब्द पता होना चाहिए। और डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है, जब सरकार का बजट डेफिशिएंट हो जाता है, घाटे का हो जाता है, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा करेंसी को छापता है, एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करता है, तो उसको कहा जाता है डेफिशिएंट फाइनेंसिंग, और हिंदी में घाटे का वित्त पोषण। सरकार प्रतिभूतियों के एवज में RBI से उधार ले सकती है। RBI इस उद्देश्य के लिए नई मुद्रा जारी करता है। ये प्रोसेस घाटे की व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। अब सरकार अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ को वहाँ पर RBI के पास रख देगी, RBI एक्स्ट्रा पैसा छापेगा तो मार्केट में जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, वो सब कुछ तो मैंने आपको बता ही दिया है। पर ये जो एक्स्ट्रा पैसा छापने की जो प्रोसेस है इसको घाटे की वित्त व्यवस्था या डेफिशिएंट फाइनेंसिंग कहा जाता है। अब राजकोषीय घाटे की गणना निम्नलिखित तरीके से हो सकती है। अब मैं आपको जितने भी फॉर्मूले यूज हो सकते हैं वो सारे आपको बता रहा हूं, पर सब में ऑलमोस्ट अर्थ एक ही है। जैसे सबसे पहला, राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति। ये सबसे आसान मानता हूं कि कुल व्यय माइनस उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति, ठीक है, हो गया क्लियर अपना। दूसरे में क्या है, राजकोषीय घाटा, अब कुल व्यय में राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, इन दोनों को अपने जोड़ लिया, फिर बीच में माइनस का माइनस लगा दिया, राजस्व प्राप्तियां प्लस उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है अपना, ये भी आसान है। या आप क्या लिख सकते हो, राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ठीक है, प्लस पूंजीगत व्यय माइनस उधार छोड़कर के जो पूंजीगत प्राप्तियां है उसको आप माइनस कर दो। फिर या राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय माइनस उधार को छोड़कर के पूंजीगत प्राप्तियां। कभी कभी केवल कुल उधारी ही दी जाती है, ऐसे मामले में राजकोषीय घाटा बराबर कुल उधार होता है। और कभी कभार कुल उधारी मतलब राजकोषीय घाटा कुल उधार टोटल जो आपका लोन ले रखा है उसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। कोई सा भी एक आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके लिए आसान है। ये तो एक्चुअल में क्या, अगर इनकेस कुछ न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, आते नहीं इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल इतने, पर दिए जाते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है ये। चलिए लास्ट में अपन ने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, राजस्व प्राप्ति और राजस्व खर्च मतलब राजस्व घाटे को कवर कर लिया था। अब पूंजीगत प्राप्तियां देखो, पूंजीगत प्राप्तियां ऋण वसूली आपकी है 0.1, अन्य प्राप्तियां जो सार्वजनिक क्षेत्र का विनिवेश करा है उसमें 0.9, और ऋण ग्रहण एवं अन्य दायित्व है 3.5, ठीक है, कितने हैं 3.5। फिर पूंजीगत व्यय की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। और अब अपन बात कर लेते हैं गैर ऋण प्राप्तियां। गैर ऋण प्राप्तियां कौन सी है, गैर ऋण प्राप्तियों में देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला पूरा, ये नो आ जाएगा गैर ऋण में, क्योंकि गैर ऋण प्राप्तियों में क्या हो गया, राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियों में उधार को छोड़कर करके, तो 9 रुपए तो वो आ गए। उसके बाद देखो ऋण वसूली, सरकार ने किसी को ऋण दे रखा था वो वसूल हुआ तो वो आ गया, तो 0.1 वो जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या जोड़ना है, अन्य प्राप्ति कोई विनिवेश करके मिला है तो 0.9, तो ये टोटल अपना कितना हो गया 10 हो गया बेटा। अब देखो अब कुल व्यय, तो कुल व्यय योजनागत व्यय और ये सब कुछ 13.5 आ जाएगा। राजकोषीय घाटा कितना आएगा, राजकोषीय घाटा अपना 13.5 आएगा, क्योंकि टोटल खर्चा अपना कितना हुआ 13.5 हुआ है, और ये जो प्राप्ति है ये 10 है। इसमें अपन ने ये वाला नहीं जोड़ा बेटा 3.5, ये वाला नहीं जोड़ा है क्योंकि उधारी को छोड़ना है, तो यहाँ पर कितना हो गया 3.5 अपना हो गया। अब अगले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे प्राथमिक घाटे को कि प्राथमिक घाटा
क्या है, ठीक है। जिस प्रकार से आपको राजस्व घाटा समझ में आता, राजकोषीय घाटा समझ में आता, उसी प्रकार से प्राथमिक घाटा भी अच्छे से समझ में आएगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। और आज के लेक्चर में कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हुई हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। बाकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्न एशियन आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारी जल्द से जल्द मिलती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।